बिजनौर में थाना नगीना के नंदपुर खुर्द गांव में गुरुवार को जंगल में चार दिन से लापता छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल बता दे, नंदपुर खुर्द का रहने वाला कुलदीप चार दिन पहले अपने घर पर था। कुलदीप के फोन आने पर कुलदीप बिना कुछ बताए घर से बाहर चला गया। देर शाम तक घर न लौटने पर कुलदीप के घर वालों ने युवक की काफी तलाश की, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं चलने पर परिजनों ने युवक की गुमशुदगी थाना नगीना में लिखवाई। उधर आज गांव के पास ही एक जंगल में युवक की लाश मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि कुलदीप को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस को हत्या की तहरीर दे दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम मेरा अशोक कुमार है, मैं उसका लड़के का चाचा लगता हूँ जी। क्या घटना हुई है बताइए। घटना ये हुई, लड़का घर पर अपना काम कर रहा था, उसी को समय उसको एक कॉल आती है, उसी समय लड़का घर पे चला जाता है। उसके बाद घर लड़का वापस घर पर नहीं आया। फ़ोन पर उसके कॉल की तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ टाइम के बाद तीसरे दिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली, हम लोगों ने उसके बंद मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकलवाई। उसके बाद उन लोगों का पता लग पाया कि किस कहां पर ये डेड बॉडी मिली है। क्या किस डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है, गांव से काफ़ी दूर चल गई। तब उसको लोगों ने बताया कि इस तरह से जिनको पकड़ा था उन्होंने बताया कि हमने उस लड़के को मार दिया है। तो क्या चाहते हो आप। हम लोग यही चाहते हैं कि जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है उनको सज़ा मिले और हमें इंसाफ मिले।